उज्जैन के इंगोरिया के ग्राम पंचायत ने ग्रामीणों की मांग पर बोरिंग का खनन किया। पंचायत क्षेत्र में ग्रामीण जनों के द्वारा पिछले कई दिनों से पानी की व्यवस्था की मांग की जा रही थी। पीने के पानी के लिए ग्रामीणों की मांग के अनुसार पंचायत क्षेत्र में बोरिंग किया गया है और इस बोरिंग से पाइपलाइन डालकर टंकी में पानी की सप्लाई की जाएगी। टंकी के माध्यम से नल जल योजना के तहत पंचायत क्षेत्र में पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी, जिससे ग्रामीण जनों को पानी की समस्या से निजात मिल जाएगी। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ये बड़नगर विधानसभा का इंगोरा गांव है और एक चौराहा है और यहाँ की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। और इस ग्राम पंचायत में हमारे माननीय सरपंच साहब ने पहले टंकी बनाई और उसमें पानी प्राप्त पूरे गांव को मिल रहा है, लेकिन और शासन की ओर से और ग्राम पंचायत की ओर से बोरिंग आया है और आज इंगोरा गाँव में बोरिंग लगा है, बहुत पानी निकला है और पूरे गाँव को इसका लाभ मिला है। किस प्रकार से पानी की समस्या से निजात मिल जाएगी और किस प्रकार से क्या रहेगा? पूरे गांव में नल लगा, घर घर नल लगे हुए हैं और सब प्रकार से पानी मिल रहा है। 24 घंटे पानी देने की ग्राम पंचायत कोशिश कर रही है। ग्राम पंचायत इंगोरिया में गर्मी के दिनों में थोड़ी पानी की समस्या आती थी। यह ग्राम पंचायत इंगोरिया एक दिन छोड़ के नल दे रही थी, एक दिन चौराहे पे, एक दिन गाँव में। ऐसी स्थिति में कुछ हमें दिक्कत आती थी, इसलिए ग्राम पंचायत ने शासन से मांग की कि हमें पर्याप्त पानी के लिए 1-2 बोर खनन करने की अनुमति प्राप्त की जाए। तो शासन ने तो 1 बोर इनको स्वीकृति में दी, जो आज लगा है और इसमें पर्याप्त पानी निकला है। इससे गांव में कुछ क्षेत्र में जहां नल में पानी प्रेशर से नहीं पहुंच रहा था, वहां भी पंचायत की ओर से पानी पहुंचाया जाएगा और करीब करीब गरीब में ये समस्या पूरी तरह सफल हो जाएगी और पूर्ण हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।